आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ सेक्स या वैरायटी ऑफ सेक्स के बारे में। अलग अलग कौन से टाइप्स है या क्या वैरायटीज है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कुछ टाइप्स ऐसी है। नंबर एक, प्यार वाला सेक्स। यह प्यार वाला सेक्स ऐसा होता है कि दोनों पति पत्नी या पुरुष और स्त्री, लड़का लड़की, दोनों तन और मन से जुड़े हुए हैं। तन से भी कनेक्टेड है, मन से भी कनेक्टेड है। एक दूसरे के ऊपर बहुत प्यार करते हैं, असीम प्यार करते हैं। और वो ना सिर्फ सेक्स के लिए पास में आए, वो वैसे ही पास में आए हुए, बहुत प्यार करते हैं। और सेक्स एक नेचुरल आउटकम है उसका, मतलब उसके लिए नहीं आए हुए, प्यार बहुत है। और फिर उसमें दोनों को समझ जाना, दोनों को सेटिस्फाई करना, एक दूसरे को सेटिस्फाई करना, एक दूसरे को क्या चाहता है उसके बारे में उसको पूछना और उसको सेटिस्फाई करना, इस तरह का ये सेक्स होता है। ये होता है प्यार वाला सेक्स। नंबर दो का सेक्स जो होता है वो होता है वासना सेक्स या हवस सेक्स। ये ऐसा होता है कि इसमें कोई मन से जुड़ा हुआ नहीं है, तन से सिर्फ जुड़ा हुआ है। सेक्स करने की इच्छा होती है, लड़के को कोई अच्छी लड़की दिखती है, लगता है कि उसके साथ में सेक्स करूं, वो ऑफिस की हो या आजू बाजू वाले की हो, या उसको एक इच्छा होती है कि नहीं अच्छी लड़की है, उसकी फिगर अच्छी है, उसके साथ में सेक्स करना, वो अट्रैक्टिव है, सेक्स करने में बहुत अच्छा लगेगा, वो अट्रैक्ट होता है। और वो सिर्फ सेक्स करने के बहाने से ही या सेक्स करने के उद्देश्य से उसके साथ में संबंध बनाता है। और वैसे ही लड़की का होता है कि लड़का अच्छा दिखता है, ही बॉय ही मैन दिखता है, हो सकता है कि नहीं नहीं बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही स्मार्ट है, उसके साथ में सेक्स करना चाहिए लड़की की, और लड़की भी उसको लेती है और उसके साथ में दोस्ती करेगी और सेक्स करेगी। तो ये दोनों सेक्स के लिए आए रहते हैं, ना प्यार रहता है, ना कुछ आगे चल के कुछ करना है, ना शादी करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ शारीरिक भूख मिटाने की है, उसके लिए वो साथ में आते हैं, बस सेक्स करते चले जाते, बाद में बात भी नहीं करते। तो ये हो गया वासना सेक्स या हवस सेक्स। तीसरा है ब्लैकमेलिंग सेक्स। ब्लैकमेलिंग सेक्स क्या होता है कि इसमें कोई ऑफिस में वो महिला काम करती है और उसको सेक्स करने की इच्छा नहीं होने के बावजूद भी उसका बॉस है या उसका कलीग है, जिसके हाथ में उसका इंसेंटिव है, जिसके हाथ में उसकी तनख्वाह निकालने का है, प्रमोशन है या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है या ट्रांसफर्स है, तो उसने प्रपोज करने के बाद में वो ना नहीं बोलती है। हो सकता है फोर्सफुली, या हो सकता है कुछ इंसेंटिव या प्रमोशन या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अपना अच्छा जाना चाहिए, इसलिए वो हाँ बोलती है। चलो अल्टीमेटली पैसे की तो पूर्तता होती है, इसलिए वो हाँ बोलती है, इच्छा नहीं होने के बावजूद भी। और फिर धीरे धीरे उसको भी अच्छा लगने लगता है कि ठीक है, क्या बुरा है, साथ में काम करते हैं 8-8 घंटे एक ऑफिस में काम करते हैं, साथ में रहते हैं, स्वभाव भी अच्छा है, तो क्या तो कोई बुरा नहीं। मगर शुरू होता है वो ब्लैकमेलिंग से, और कुछ ना कुछ उसमें एक हिडन एजेंडा रहता है कि नहीं भाई, मैं उसको खुश रखूं तो मुझे कुछ मिलेगा, या नाखुश करूंगी तो कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो ये होता है कॉम्प्रोमाइजिंग सेक्स या ब्लैकमेलिंग सेक्स। फिर चौथे होते हैं ड्यूटी सेक्स। ये ड्यूटी सेक्स क्या है? क्या होता है कि शादी हो गई, 8-10 साल हो गए, दोनों अपने अपने काम में बिजी, 1-2 बच्चे हो गए, पत्नी बिजी है, बच्चों का करते करते थक जाती है, पति अपने नौकरी में या धंधे पाने में डूब जाता है, 35-40 साल की उम्र है, पैसे के लिए चालू है दौड़ धूप करना, 8-10 साल शादी को हो गए और बाद में अभी बस एक ड्यूटी करना है, एक शरीर की भूख है, 8-10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, सेक्स किया नहीं है, चलो आज इच्छा हो गई, प्रपोज किया, वाइफ भी हाँ बोल रही है तो सेक्स कर लेते हैं। वाइफ भी ना बोलती नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि चलो अपनी एक ड्यूटी है, कि सेक्स भी करना है एक ड्यूटी है, चलो थोड़ा मज़ा भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए वो सेक्स करते हैं। अदरवाइज़ उनको मतलब एक डर भी है कि नहीं अपने नहीं बोल दिया तो सामने वाला या सामने वाली और कहीं उसकी इच्छा पूरी कर लेंगी, तो वो भी एक डर रहता है, तो उसके लिए एक ड्यूटी करके, पति पत्नी है करके, साथ में सोते है करके वो सेक्स कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है प्रोस्टिट्यूट सेक्स। अब प्रोस्टिट्यूट सेक्स ऐसा है कि प्रोस्टिट्यूट्स के बाजार में जाओ, वो एरिया में जाओ, जैसा हमारे इधर एरिया में बोलते गंगा जमुना एरिया, रेड लाइट एरिया, तो उसमें जाओ, पैसा फेंको, अपनी पसंदी की लड़की उसमें से चूज करो, उसके साथ में सेक्स करो। वो तो सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है, कुछ अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए किया जाता है। हो सकता है कि घर में होती नहीं इच्छा पूरी, या बाहर कहीं मिलता नहीं है चांस, फिर प्रोस्टिट्यूट की तरफ जाओ, उतने पूरा पैसा दो, उतने पूरा कनेक्टिविटी रखो। कुछ लोग जाते हैं कि नहीं, वो जो प्रोस्टिट्यूट है वो अच्छी बात करती है, अच्छी सर्विस देती है, अच्छी लिसनर है, वो भी प्यार करती है, और उसके प्यार में गिरे हुए हैं, मतलब पड़े हुए हैं प्यार में, इसलिए वहाँ जाते रहते हैं, एक ही पसंद करते हैं, उसके पास में सेक्स करते हैं और वापस चले जाते हैं। कुछ लोग अलग अलग चॉइस मिलता है करके जाते हैं, एक कूड़ादान करके वापर किया जाता है कि जाओ पैसा फेंको, तमाशा देखो, वापस आ जाओ। तो एक प्रोस्टिट्यूट सेक्स ऐसा होता है कि जहाँ
अपने मर्जी की, अपने को अच्छी लगती हुई कोई भी चुनो और सेक्स करो। तो इसमें ना प्यार है ना कुछ इच्छा है, बस एक बॉडी की इच्छा है और एक वैरायटी चाहिए, जाओ और करके आ जाओ। फिर नेक्स्ट है कि एक चैट सेक्स या फ़ोन का सेक्स या वीडियो सेक्स। इसमें क्या होता है कि इसमें चैटिंग करते हैं, पिक्चर शेयर करेंगे, न्यूड पिक्चर शेयर करेंगे अपनी खुद की, और लोगों को एक्साइट, सामने वाले को या सामने वाली को एक्साइट करेंगे और उसमें सेक्स करेंगे वीडियो कॉल करके, और एक दूसरे सेक्स करेंगे और एक दूसरे को, मतलब उसमें मज़ा आते रहता है और सेक्स करेंगे। तो वीडियो सेक्स या चैट सेक्स या फ़ोन सेक्स, कुछ भी मतलब इसमें का ये करते रहते हैं और उसमें उनको बहुत एक्साइटमेंट आती है, मज़ा आती रहती है। फिर नेक्स्ट है ओल्ड एज सेक्स। ओल्ड एज सेक्स क्या होता है? ओल्ड एज सेक्स में क्या होता है कि बुजुर्ग लोग जो है 50-55-60 साल के, वो क्या करते हैं कि छोटी लड़कियां रहती हैं, उनको एक अप्रिशिएट करना है उसके बहाने, या शाबाशी देना है उसके बहाने, उसके पास में जाएंगे, उसके बालों में हाथ घुमाएंगे या सिर के ऊपर हाथ करेंगे, उसको बॉडीली टच करेंगे या उसको फोरहेड को किस करेंगे, मतलब ऐसा कि भाई एक बहाना बना के उसको शाबाशी देना है, पीठ थपथपाना है, तो उसमें वो करते हैं। मगर उनको, वो लड़की को लगता है कि बैड टच है और वो चाहती नहीं है, मगर ये करते रहते हैं। बहाना अलग रहता है, इंटेंशन जो है, हिडन एजेंडा वो अलग रहता है, वो है ओल्ड एज सेक्स। और फिर लोगों को ऑन द फेस ऐसा कुछ लगता नहीं कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उम्र 60 साल की 70 साल की है और एकदम छोटी लड़की को वो हाथ लगा रहे हैं, तो किसको लगता भी नहीं है, मगर उसके पीछे हिडन एजेंडा जो है वो बैड टच करके वो लड़की को समझ में आ जाता है। तो एक प्रकार का ओल्ड एज सेक्स है और ये भी किया जाता है, और इसमें मालूम नहीं पड़ता कि वो, मतलब एक्चुअली इंटरकोर्स नहीं होता है मगर वो सेक्स होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के काफ़ी सेक्स है, अलग काफ़ी सारे वेराइटीज़ है, काफ़ी सारे टाइप्स है। अगले वीडियो में डेफिनेटली और आपके तरफ लाऊंगा ये। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा लोगों को शेयर करो। थैंक यू। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।